हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी में। तो आज मैंने जो ये वीडियो बनाई है, ये छोटे बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है जो बड़े लोग जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन उनके अंदर मन में पढ़ने की इच्छा है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अ आ ई ई कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है अ अ कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे पेंट में कुछ ब्रश की मदद से सिखा रही हूँ। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो अ आ ई ई ये जो हमारे स्वर हैं, ये ही इन्हीं से ही मात्राएं बनती हैं, इसलिए इन्हें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अ लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ लिखने के लिए हमें देखिए किस टाइप से बनाना है। मैं थोड़ा सा आप लोग को उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी जिससे आप लोग को बड़े आराम से समझ में आ जाए, उस भाषा में समझाऊंगी आपको। देखिए, ऐसे इस टाइप से घुमा के और इस टाइप से घुमाना है ये, और बीच में से एक ऐसे लाइन दे देनी है, और इसके बाद से ऐसे एक डंडी खींचनी है और ऊपर से एक डंडी बंद कर देनी है। तो ये देखिए क्या हो गया, अ। एक बार फिर ट्राई करते हैं, ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे और इसके बाद ऐसे एक लाइन दे देंगे और सीधे एक लंबी रेखा खींचनी है हमें और ऐसे कर देंगे। ये बन गया हमारा अ। नेक्स्ट हमें बनाना है, अगला जो अक्षर हमें बनाना है वो है आ। पहले जो हमने बनाया था वो बनाया था अ, अब जो हमें बनाना है वो बनाना है आ। अ आ ई ई को सीखते वक्त हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अपने बोलने के तरीके पे ध्यान देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम आगे इसको कैसे मात्राओं के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम आ लिखने की तैयारी करते हैं। आ लिखने के लिए पहले आपको अ बनाना है। अ हम पहले बनाना सीख चुके हैं। इसमें आ आ में हमारा मुंह खुल रहा है, हमें अपने मुंह पे ध्यान रखना है, हमारा जो मुंह है वो खुल रहा है आ। अब आ में मुंह खुलने का मतलब है कि एक लाइन और खिंच जाएगी। अ में मुंह नहीं खुलता है जिससे अ बना रहेगा, सिर्फ मात्रा लगी, बिना मात्रा के बनेगा। यानी अ में मुंह नहीं खुलता है तो सिर्फ एक डंडी रहेगी, आ में मुंह खुल रहा है तो एक डंडी और लग जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आ। अब हम सीखेंगे ई। हमने पहले सीखा अ, फिर हमने सीखा आ, अब हम सीखेंगे ई। ई कैसे लिखेंगे? ई के लिए हमें एक ऐसे लंबी लाइन खींचनी है सीधी, फिर एक छोटी लाइन, ऐसे छोटी सी लाइन खींचनी है, फिर इसके बाद एक टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनानी है ऐसे, और इसके बाद इसको नीचे से यूं घुमा के नीचे कर देना है। तो देखा आपने, ई से इमली, तो ये ही बन गया हमारा ई। अब हम बनाएंगे ई, बड़ा ई। जो अभी हमने इससे पहले ई बनाया था वो था छोटा ई, अब हम बनाएंगे बड़ा ई। तो बड़ा ई बनाने के लिए हमें एक ऐसे रेखा खींचनी है सीधी, फिर एक छोटी सी इधर, फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनानी है, फिर इसको ऐसे नीचे घुमा देना है और ऊपर से एक ऐसे हमें ये रेख बना देना है। तो ये हो गई बड़ी ई। अब हम बनाएंगे ऊ। ऊ से होता है उल्लू। ऊ बनाने के लिए हमें एक सीधी रेखा खींचनी है, फिर जिस तरह से हमने अ के लिए बनाया था उस तरह से बनाना है, और ये देखिए ये बन गया ऊ। ऊ से उल्लू। अब हम बनाएंगे बड़ा ऊ।
तो बड़ा ऊ बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक ऐसी रेखा खींचनी है, छोटे ऊ की तरह हमें ऊ बनाना है, और ये एक ऐसे हमें ऐसे बना देना है। तो हो गया बड़ा ऊ। अब हम बनाएंगे री से ऋषि। तो री से ऋषि बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर एक सीधी रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर इस तरह से एक ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये हो गया री से ऋषि। ए से एड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब ए से एनक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर से एक मात्रा दे देंगे। ये बन गया ए से एनक। ओ से ओखली बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले हम एक ऐसी सीधी रेखा खींचेंगे, फिर हम आ बनाएंगे, फिर एक एक मात्रा और लगाएंगे। अब ये बन गया आ। अब आ बनाने के बाद ऊपर से हम एक मात्रा दे देंगे, ये बन जाएगा ओ से ओखली। और ओ से औरत बनाने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर एक के बाद दूसरी मात्रा दे देनी है, ये बन गया ओ से औरत। अंग से अंगूर बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले अ बनाना है, और अ के ऊपर एक बिंदी दे देनी है, ये बन गया अंग से अंगूर। आह खाली बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले अ बनाना है, और ये अ बनाने के बाद पीछे दो बिंदियां दे देनी है, आह खाली। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो अपने बच्चों को और ऐसे घर के सदस्य जिनको पढ़ने का तो बहुत शौक है मगर वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोशिश करिएगा कि ये अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए।